सो मान लो आप अपना नाम, अपने कंपनी का नाम, अपना प्रोडक्ट क्या है। मेरा नाम ये सारे हमारा समर्थन जो स्टाफ का है, जो बहुत बड़ा स्टाफ है और बहुत एक्टिविटी से काम करता है। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया है, लेकिन सारे हमारे स्टाफ की वजह से ये इस जगह पहुंच पाए हम लोग। सारा श्रेय जो है सारे स्टाफ को। आपने भी आपने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था, आप आज इस मुकाम पर हैं, तो इसमें क्या क्या चुनौतियाँ जो इस लगा कि हाँ यहाँ थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चुनौतियाँ तो आती रहती हैं बिजनेस में, लेकिन अगर हाथ एजुकेशन होता है और स्टाफ हाथ में होता है तो सब कुछ बहुत ईजीली अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में हर बिजनेस में चुनौतियाँ आती ही हैं, बहुत सारा सेल भी करना ही पड़ता है, फाइनेंशियल भी है, मार्केटिंग है, सारी जो सोशल मीडिया है उन सोशल में काम करना बहुत मुश्किल तो होता ही है। उसके बाद में धीरे धीरे सारा EPCH की क्या भूमिका है इस पूरे आपके आपकी सफलता में EPCH की क्या भूमिका? EPCH जो है अपना हैंडीक्राफ्ट फेयर लगातार है। हमने काफ़ी साल पहले बहुत छोटी स्टैंड लगाई थी क्योंकि EPCH के माध्यम से ही हुई थी, और उस स्टैंड की वजह से हमारे को काफ़ी सारे बायर्स हमारे को मिले। उसके बाद में धीरे धीरे उनका काम भी काफ़ी बढ़ा है और हम कंटिन्यूसली EPCH के फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो हमारा IEML जो है उसके हम PT पार्टनर भी हैं और वहाँ हमारा परमानेंट शोरूम भी है। तो EPCH की इस हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए बहुत बड़ी भूमिका है जो बिजनेस को, इस हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक। थैंक यू।